चलते भी जाओ। थोड़ा ईंधन के जगह में आ सकते हो का? हाँ, कालम कैसा की ना है ना? हाँ चलत भी जाओ। कौन सा गांव के हैं भैया? नाम क्या है? धर्मपाल। क्या परेशानी है? अरे इसको हाइड्रोसाइन का परेशानी है। आने जाने के लिए रास्ता सही है? नहीं सही। कोई सुनाई हुई? नहीं। कभी नहीं हुई? कभी नहीं। ठीक है। आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर जनपद की ये तस्वीरें, जहां एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको ले जाने के लिए सड़कें आज भी इस आज़ाद भारत के 73 साल बाद भी कच्ची हैं। और ये वो क्षेत्र है जहां से साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में राज्य मंत्री हैं, दो बार इस फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन चुकी हैं। ये ग्राम सभा सरकंडी के तेले कुआ निवासी धर्मपाल की बीमारी से हालत बिगड़ने पर उनको चार पाई पर इस तरह से लटका कर ले जाया गया। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं शंकरपुर से ओती मार्ग, ये फतेहपुर जनपद की जो अतपिछड़ा आज उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, यह सोथर ब्लॉक के गाँव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। शंकरपुर से ओती मार्ग है ये गांव का, जो स्थिति है आप देखिए क्या मार्ग है। आज सड़क और गड्ढा कीचड़, इतनी बुरी स्थिति में होकर के इस गांव से लोगों का निकलना होता है। यहां से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आपने देखा कि किस तरह से सरकारी एम्बुलेंस भी गांव में नहीं पहुंच सकती। उस स्थिति में लोगों को अपने मरीज को ले जाने के लिए कंधों पर लटका करके, चारपाई को बांध करके ले जाने के लिए मजबूर करने वाला इलाका ये शंकरपुर से ओती मार्ग भी आप अभी देख रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इसी वीडियो के साथ। ये फतेहपुर जनपद जहाँ से साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में मोदी सरकार और योगी सरकार का विकास आपके सामने बोल रहा है कि ऐसा विकास जहाँ से 7 साल से साध्वी निरंजन ज्योति जी केंद्र में मंत्री रहने के साथ इस क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं। ये फतेहपुर जनपद के अति पिछड़े इलाके असोथर ब्लॉक निषादों का ये इलाका है, यहाँ निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। इन गांवों में होकर के जो लोगों के निकलने की स्थिति है, साध्वी निरंजन ज्योति भी निषाद हैं और निषादों के गांव की स्थिति आप ये देखिए किस तरह से इस इलाके में लोगों का जीवन दुर्लभ बना हुआ है। किस तरह से उस कठिन जीवन को जीने के लिए, इन रोडों से निकलने के लिए, बीमार और होने के लिए आप देखिए आया है ट्रेरी और इसको चढ़ने बैटरी से चलने वाला, ये गिर जाए कुछ हो जाए तो किस तरह से लोगों के जीवन को कष्ट हो सकता है। इस तरह की स्थिति आप भी आप इस हमारे पूरी वीडियो को देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। एकलव्य मानव संदेश एक मजबूत आवाज़ है शोषित पीड़ित वर्ग की, जो आपकी आवाज़ को देश और दुनिया के सामने जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पहुँचाने के लिए बिना किसी लालच, बिना किसी अपने भेदभाव के ये पहुँचाता है। इस स्थिति में जहाँ लोग परेशान जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार कहती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, आज ये सड़कों की स्थिति इस शंकरपुर से ओती मार्ग की फतेहपुर जनपद के असोथर ब्लॉक में आपको ये दिखाई दी तस्वीर जहाँ से निकलना मुश्किल, ऐसी ही तस्वीर अभी आप देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रिपोर्टर बनने के लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं 9219506267 9457311162 पर व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए या कॉल कर सकते हैं। ये एकलव्य मानव संदेश अलीगढ़ से प्रसारित होने वाला एक शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ है। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह से एक लोगों का जीवन यहाँ से कैसे, अगर बीमार हो जाता है जैसे आपने देखा कि कंधे पर लटका करके लोगों को ले जाना पड़ता है, उस स्थिति में ये शंकरपुर ओती मार्ग से आपको तस्वीरें एकलव मानव संदेश पर डायरेक्ट हमारे रिपोर्टर रामाश्रय के माध्यम से हमको पहुंची हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस मार्ग से अगर बीमार हो जाएं
या किसी और तरह की बीमारी से लोग पीड़ित हो जाएं तो कैसे, क्योंकि इन रोड से भी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ये दूसरा मार्ग है वहीं मोरम माफियाओं की करतूत से, ये फतेहपुर जनपद के आयासाई विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, जहाँ से ये असोतर ब्लॉक उसी में आता है। ललौली कोर्रा कनक मोड़ से ये रास्ता जाता है अठावल तक। इस स्थिति को आप देखिए, यहाँ से बड़े बड़े ओवरलोडेड ट्रक, जिनको कि कोई आज की तारीख में मोदी योगी सरकार जो आज की तारीख में दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार हमने ख़त्म कर दिया या हम भ्रष्टाचार को नहीं पनप देंगे, उसी कंडीशन में ये ओवरलोड जो ट्रक हैं, जो बालू माफिया मोरंग माफिया षडयंत्र से सरकार से बनाए हुए रोडों को बुरी तरीके से यहाँ उखाड़ दिया जाता है। ओवरलोड बिल को रोकने का कोई भी साधन सरकार जो हैं एजेंसियाँ वो यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही हैं। ये आप रोडों की स्थिति देखिए, कैसे यहाँ से अगर बीमार होगा कोई तो कैसे अस्पताल जाएगा, उसकी जीवन बचेगा या उसका जीवन यही समाप्त नहीं कीचड़ गड्ढों में हो सकता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमको तो लगता है कि सीधे सीधे सरकार, केंद्र सरकार की प्रतिनिधि हैं साध्वी निरंजन ज्योति, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और इस विधानसभा से भी भाजपा सांसद विधायक हैं। उन कंडीशन में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक बीमार व्यक्ति को किस तरह से सरकंडी ग्राम सभा के तेली कुआं गांव के धर्मपाल पासवान हैं, उनको बीमारी हालत में ले जाने के लिए जब गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, जो आपने अभी तस्वीरों में देखी इसी तरह के रास्ते हैं आगे, उन रास्तों से ले जाने के लिए ये कच्चा रास्ता आज भी पक्का नहीं हो पाया। आज़ादी के 73 साल 74 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को ये खाट और बांस पे बांध करके एक इमरजेंसी लोग कच्चे रास्ते से कीचड़ के रास्ते से निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को इस तरह की सुविधाओं के लिए जो असुविधा हो रही है उसको हम चाहते हैं सरकार तुरंत ध्यान दे। साध्वी निरंजन ज्योति जो इस क्षेत्र की सांसद हैं, उनको भी किस तरह की, आप मंत्री हैं, आपके क्षेत्र में आप विकास नहीं करा सकते हैं, तो दो बार सांसद हैं, 7 साल से आप सांसद हैं, करीब 6.5 साल से आप मंत्री हैं केंद्र में, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होने के बाद भी आपके क्षेत्र में गरीबों के लिए जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों की ये दुर्दशा है, अभी भी पक्की सड़क इस गाँव के लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कभी दोस्तों अगर आपको लगता है इस तरह की समस्या हो तो हमको डायरेक्ट संपर्क कीजिए।